ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मौजूद हैं और राष्ट्रपति भवन की सीधी तस्वीरें हैं, पहुंच गए हैं ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और औपचारिक स्वागत के लिए खुद प्रधानमंत्री यहां पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें दो लोकतांत्रिक देश, दो सशक्त नेता और पॉजिटिविटी के साथ अगर बॉडी लैंग्वेज को देखें तो मुलाकात होती हुई बोरिस जॉनसन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, और जिसका जिक्र जिस तरह से बोरिस जॉनसन ने अपने ट्वीट पर भी किया कि वो इस पार्टनरशिप को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। ये ऐतिहासिक तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधे राष्ट्रपति भवन से, जहां पर स्वागत किया औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का। और यहां पर अब राष्ट्रपति भवन में जिस तरह से एक रवायत है, राष्ट्रपति भवन में जो पहुंचे हैं प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, उनका स्वागत किया जा रहा है। श्रीमान अंतर सेना सम्मान गार्ड निरीक्षण के लिए हाजिर है। Thank you.
तो राष्ट्रपति भवन से आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें, जहां गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को, यही रवायत है। और गार्ड ऑफ ऑनर देने के बाद अब वो विशिष्ट जो गणमान्य लोग हैं उनसे मिले, और अब जो विशिष्ट मंडल उनके साथ आया हुआ है उनसे प्रधानमंत्री इस वक्त मुलाकात करते हैं। और यही रवायत होती है, जिस तरह से जब भी कोई इस तरह का मेहमान और शख्सियत आता है तो उसकी औपचारिक तौर पर उसका स्वागत किया जाता है राष्ट्रपति भवन पे, और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है उन्हें। और यहाँ पर जो मुलाकात का सिलसिला है, जो विशिष्ट दल आया हुआ था बोरिस जॉनसन का, उनके साथ मुलाकात की प्रधानमंत्री ने। इन दिल्ली दिस मॉर्निंग विद माय फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर मोदी, एंड थैंक यू फॉर द फैंटास्टिक वेलकम दैट यू हैव गिवन अस नरेंद्र। दिस इज आई थिंक अ वेरी ऑस्पिशियस मोमेंट इन ए relationship and a friendship between two democracies, the world's largest democracy in India, the UK, one of the world's oldest democracies, and I don't think that things have ever been as strong or as good between us as they are now. So thank you for the wonderful reception that you've given us. I was amazing. I want to say particularly to the people of Gujarat, they put on a most fantastic welcome for us yesterday, Narendra. It was absolutely extraordinary. I've never seen such a joyful reception. I wouldn't get that necessarily everywhere in the world, but it was absolutely fantastic to come and see your own home state for the first time. So thank you all very much. Thank you. तो आपने देखा कि किस तरह से ये गार्ड ऑफ ऑनर देने के बाद जब अभी ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि ये जो दौरा है वो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए महत्वपूर्ण और ख़ास तौर पर ऑस्पिशियस बोला उन्होंने, और कहा कि सबसे पुराना लोकतंत्र है अगर बात की जाए ब्रिटेन, और दो लोकतंत्र ताकतों की आज यहाँ मुलाकात हो रही है। तस्वीरें देखिए आप, दो बहुत अहम शख्सियत वैश्विक मंचों पर, दोनों का ही मकाम बहुत ऊंचा है, कद ऊंचा है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा, जिस तरह से उनका स्वागत यहाँ किया गया वो तो महत्वपूर्ण था ही गौरव, और कैसे गुजरात का जिक्र उन्होंने किया यहाँ। बिल्कुल आचल, और साफ तौर पर आप तस्वीरों के जरिए देख भी सकते हैं कितने उत्साहित और खुश नज़र आ रहे हैं ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बेहद ही अच्छा पल इसे कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ से एक बेहतर भविष्य का निर्माण होगा साफ तौर पर, जब द्विपक्षीय वार्ता होगी, और आने वाले कल के लिए जो तमाम यहाँ पर जो नीतिगत फैसले हैं वो यहाँ पर होने वाले हैं। ऐसे में तमाम नीतियाँ बनेंगी, तमाम समीकरण यहाँ से साधे जाएंगे, जो आने वाले भविष्य के लिए एक बेहतर कल का निर्माण करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, और ये एक बहुत एट ईज दिखे दोनों की, किस तरह से बहुत हंसी बहुत खुशी के साथ, जो बॉडी लैंग्वेज था बहुत ही पॉजिटिव, और कहीं ना कहीं एक दोस्ती वाला जो रिश्ता था वो साफ तौर पर नज़र आया। और ये हमने देखा कि कैसे भले वो कल गुजरात में थे, और गुजरात जाने वाले वो पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री